आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल आइडिया लेकर आई हूँ। आज हम 3 जिपर पॉकेट वाला वॉलेट बनाएंगे। यह बच्चों के और बड़ों के सभी के काम आने वाला है। इसमें हम ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसको एज ए मेकअप किट भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के पाउच की तरह यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है। चलिए बिना देरी किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर हम फोम शीट रखेंगे। उसके बाद हम मेन फैब्रिक रखकर इसके ऊपर इस तरीके से सिलाइयाँ लगा लेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा फोम शीट थी उसको हम कट कर लेंगे। फिर हमने 2 इंच पर मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इस स्ट्रेट लाइन को अब हम दोनों साइड से कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हम जिप लेंगे वो 1 इंच बड़ी लेंगे। फिर हम जिप की सीधी साइड को कपड़े की सीधी साइड रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको पलटते हुए इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। फिर कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर हम इसके जो दूसरा फैब्रिक जो हमने कट किया था उसको भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर हम इसके दूसरी साइड भी जिप अटैच कर लेंगे। इसके बाद जिप अटैच करने के बाद इसमें रनर इंसर्ट कर लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा जिप थी उसको हम कट कर देंगे। अब हम तैयार पार्ट को उल्टा कर लेंगे और इसी के साइज़ का हम लाइनिंग इसके ऊपर रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको बीच में से फोल्ड करके इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन खींच कर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी पॉकेट अलग अलग हो जाए। इसके बाद हम जिप लेंगे और फिर से लगाएंगे इसके ऊपर। इसी तरीके से फिर हम दूसरी साइड लगाएंगे ताकि जिप आगे पीछे ना हो। इसको बीच में से ओपन करके इसको कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जिपर वाली साइड से टॉप स्टिच लगाने से इसके सारे रफ एजेस चिप जाते हैं और फिनिशिंग आ जाती है। यहाँ हम रनर इंसर्ट कर लेंगे। रनर इंसर्ट करके हम इसको पूरे जिप को बंद करके एक बार फिर से रनर डालेंगे ताकि इसमें फिर हमें आगे स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जो एक्स्ट्रा जिप थी उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमारा ये तैयार पार्ट है इसको हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करते टाइम थोड़ा ध्यान से करेंगे ताकि हमारी जिप ना खुल जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप ली है 1.5 बाय 14 इंच की। इसको दोनों साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इसमें हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। इसके बाद हम इसे डबल करते हुए जिपर के पास अंदर की तरफ डाल देंगे और इसको हम सिक्योर कर लेंगे। फिर दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। यहाँ 2 इंच की मैंने 2 स्ट्रिप्स ली है और इसको हम इस तरीके से दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। इसको फिर हम उल्टा कर लेंगे। फिर ऊपर वाली साइड से ऐसे फोल्ड करके इसको डबल फोल्ड करते हुए इसको हम सिक्योर कर लेंगे। दोनों साइड से सिक्योर करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे ताकि हमारे रफ एजेस बिल्कुल छुप जाए। और फिर जिप वाली साइड से हम इसको कॉर्नर की तरह साइड से दबाते हुए इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए हमारे एक छोटे से कपड़े के टुकड़े से 3 पॉकेट वाला बहुत ही यूज़फुल सा जिपर पाउच बनकर रेडी हो गया है। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।